सो ये गाइज, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल कमज़ोर है या फिर गाइज आपको ऐसी ऐसी चीज़ों को देख करके उल्टी जैसा मन होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे मत देखना, क्योंकि गाइज इस वीडियो में जो कुछ भी होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सो गाइज, अभी कुछ दिन पहले मैं एक इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और गाइज उस एक्सपेरिमेंट में मुझे एक छोटा सा शॉक लग गया था। छोटा सा इसलिए क्योंकि जब भी मैं कोई सा भी इलेक्ट्रिक काम करता हूँ तब उसमें मैं एक प्रोटेक्शन सर्किट लगा करके रखता हूँ, क्योंकि गाइज जब भी कोई सा भी फॉल्ट आता है तो वो प्रोटेक्शन सर्किट अपने आप ऑफ हो जाता है और हमारे सप्लाई को काट देता है, इसलिए गए जब पूरी तरह से सेफ रहते हैं। सो गए, जब मुझे वो इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए और गए वो ये थे कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है और गए जब हमारा शरीर के अंदर जो ब्लड होता है क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है और गए जब भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उस ब्लड के साथ क्या होता है। सो गए, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने अपने शरीर से ब्लड को बाहर निकाला और गाइज वो है यह ब्लड। और गाइज जो ये ब्लड है इसको मैंने अपने हाथों से नहीं निकाला है, इसे निकालने के लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर के पास गया और गाइज उस डॉक्टर ने मेरे शरीर से इस ब्लड को बाहर निकाला। सो गाइज चलिए इस ब्लड से अब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा करके देखते हैं और फिर अपनी आंखों से देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे ब्लड के साथ किस तरह से रिएक्शन करती हैं। लेकिन गाइज इस वीडियो में जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है उस चीज़ को आप घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैं एक्सपर्ट्स की निगरानी में इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ। सो गाइज ब्लड में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने से पहले हम इस स्किन पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा के देखते हैं कि हमारे स्किन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या फिर नहीं। और गाइज इसके लिए मैंने ये स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। सो गाइज जिस वायर पर 230 वोल्ट आ रही हैं, लेकिन गाइज जो ये हमारे स्किन का टुकड़ा है इस पर सिर्फ 230 वोल्ट में से सिर्फ 30 वोल्ट ही इसे स्किन से फ्लो हो पा रही हैं। और गाइज कभी कभी तो ये 5 वोल्ट 1 वोल्ट ऐसे कुछ दिखा रहा है। चलिए अब मैं इस ब्लड को इस डिस्क में निकाल लेता हूँ और गाइज हमें एक्सपेरिमेंट बहुत ही जल्दी करना होगा, क्योंकि गाइज जो खून होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलते ही जमने लगता है। सो गाइज चलिए अब हम इस ब्लड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के देखते हैं और फिर देखते हैं कि यह बल्ब जलता है या फिर नहीं। ओ माय गॉड गाइज, इस ब्लड से धुआं निकल रहा है। और गए जो ये खून है ये काला पड़ चुका है, पहले ये लाल था लेकिन गए जब ये पूरी तरह से काला पड़ चुका है। ओ शिट मैन। सो गए चले इस बार थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को निकालते हैं और गए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। सो गए जैसे मैं इस ब्लड से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा रहा हूँ वैसे ये ब्लड पूरी तरह से जम चुका है और गाइज ये पूरी तरह से काला भी पड़ चुका है। लेकिन गाइज जिससे हमारा बल्ब है वो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो जम चुका है। सो गाइज हमारे ब्लड की हालत क्या हो चुकी है इसे ध्यान से देखिए और गाइज अब ये जो ब्लड है वो एकदम कोयले की तरह पूरी तरह से जल चुका है। सो गाइज इस बार मैंने वो 100 वाट का बल्ब हटा करके ये छोटा वाला एलईडी बल्ब लगा दिया है और गाइज अब देखते हैं कि ये वाला बल्ब ब्लड से जलता है या फिर नहीं। और लुक एट गाइज, ये जो एलईडी बल्ब है ये हमारे इस ब्लड से जल गया और गाइज इस बार हमारे ब्लड से जो है धुआं भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि गाइज अभी हमारे जो ब्लड है इसे बहुत ही कम मात्रा पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है।
सो दे गाइज, आपने ना बहुत ही खतरनाक चीज़ और गाइज, इलेक्ट्रिसिटी ने जिस तरह से हमारे ब्लड की हालत की है उस चीज़ को मैं खुद देख करके शॉक दूँ, क्यों गाइज अगर हम हमारे ब्लड को आग से जलाएं तब भी इतनी बुरी तरह से हमारा ब्लड नहीं जलेगा जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी ने ब्लड को जलाया है। और गाइज शायद यही कारण है कि जब भी इलेक्ट्रिक शॉक इंसान को लगता है तो उसकी एंड टू एंड मौत हो जाती है। और गाइज इस वीडियो को सिर्फ आपके नॉलेज और एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया था, इस चीज़ को घर पर ट्राई बिल्कुल भी मत करना। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना, और गाइज इसी तरह की मजेदार वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।